देवघर में लगने वाले श्रावण मास में राजकीय श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर आज शुक्रवार को शिकारी पाड़ा के मलूटी ग्राम में मां मौलाक्षी मंदिर परिसर में मुख्य प्रदर्शनी शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर का उद्घाटन दुमका जिला के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिले के उपायुक्त ने कहा कि श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कला मंच का आयोजन होगा, इसके माध्यम से प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा एवं जो भी शिव भक्त कांवड़ यात्रा के दौरान बाबा बैजनाथ धाम बाबा बासुकीनाथ धाम से पूजा अर्चना कर मां मौलाक्षी मंदिर प्रांगण में मां का आशीर्वाद लेने आते हैं उन कांवड़ यात्री को सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य से शिविर का शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन समारोह में जिले के उपायुक्त के अलावा शिकारी पाड़ा अंचल अधिकारी राजू कमल, शिकारी पाड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी एवं मलूटी ग्राम के बबलू चटर्जी, उत्पल चौधरी, पिंटू घोष, काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं ग्रामीण मौजूद थे। श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर चलते हैं और बाबा बैजनाथ धाम में जल चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके उपरांत बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद शिव भक्त माँ तारा एवं माँ मौलाक्षी की पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ बताते चले कि मलूटी ग्राम में पहले 108 शिव मंदिर हुआ करते थे, लेकिन रख रखाव के अभाव में अभी 80 के आसपास ही शेष रह गए हैं, इसलिए इस ग्राम को मंदिरों का गांव कहा जाता है। शिकारी पाड़ा से पंकज कुमार दास की रिपोर्ट। माँ मौलिक्षा मंदिर प्रांगण में कला मंच का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से यहाँ प्रदर्शनी तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और जो श्रावण मास में बाबा बासुकीनाथ और बाबा बैजनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं कि सरकार ये कि रास्ते में माँ मौलिक्षा का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उनको हमसे सुविधा मिल सके इसी उद्देश्य से इसका शुभारम्भ किया गया है। मंदिर का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी मिले और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु जो बाबा बासुकीनाथ और बाबा बैजनाथ का दर्शन करते जाते हैं और रास्ता से माँ मौलिक्षा का भी आशीर्वाद प्राप्त करें और एक बार फिर माँ मौलिक्षा से इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं कि जो पूरा श्रावण का आयोजन है वो सुगमतापूर्वक पूर्वक संपन्न हो, उसमें किसी प्रकार की विघ्न ना आए और किसी आशा अपेक्षा के साथ ही बच्चे माँ मौलिक्षा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।